तहसील थाना अंतर्गत भारत भ्रमण पर आए म्यांमार व बर्मा के नागरिकों को लाल मस्जिद में छुपे होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह नागरिक 22 मार्च को भारत में आए थे, उसके बाद वे पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए नागपुर पहुंचे। यहां पर लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो यह लोग भी दहशत में आ गए। किसी के माध्यम से वे लाल मस्जिद में छिप गए। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही उसके बाद सभी विदेशी नागरिकों मस्जिद से निकलकर सिविल लाइन स्थित विधायक निवास में जांच के लिए लाया गया और वहां पर सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है। सभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 5 अप्रैल 2020 रोजी पोस्टे तहसील येथे फॉरेनर एक्ट कलम 14 अन्वये एकूण 8 परकीय नागरिकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। हे संपूर्ण 8 परकीय नागरिक म्यानमार बर्मा येथील यनगुन सिटीमधील रहिवासी आहेत। ते 7 मार्च रोजी गिट्टीकदम भागात आले होते आणि 22 मार्च रोजी पोस्टे तहसील अंतर्गत इद्राहे तैफिजूल लाल बिल्डिंग अन्सार नगर येथे होते आणि ते परकीय नागरिक आहेत। त्यांनी धार्मिक स्थळाचा आश्रय घ्यायला नको पाहिजे होतं आणि नागपूर शहरामध्ये धारा 144 CRPC लागू असताना ते 8 या संख्येने सापडलेले आहेत। म्हणून IPC 188, 269, 270 तसेच साथीचे अधिनियम कलम 3 आणि डिजास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट कलम 51 असे 8ही परकीय नागरिकांवर आपण गुन्हा नोंद केलेला आहे। ते अधिकृत आले होते, त्यांच्याकडे पासपोर्ट व्हिसासुद्धा आहे। आता त्यांचा उद्दिष्ट काय होता याबद्दलचा तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर।